नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, एक प्रश्न पूछा गया था आरआरबी ग्रुप डी में कि जो पौधे होते हैं उनको लचीलापन कौन से टिश्यू प्रोवाइड करता है, तो उसका आंसर था कोलेनकाइमा। अब हम कोलेनकाइमा जैसे ही बताएं तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कोलेनकाइमा क्या होता है, कौन सा टिश्यू होता है, कहाँ पर पाया जाता है, तो उससे रिलेटेड देखिए ये सब चीज़ें एनसीईआरटी की चीज़ें हैं, नाइन्थ क्लास की चीज़ें हैं। तो जब आपसे प्रश्न पूछा गया आप कंफ्यूज हो गए, तो फिर जहाँ भी आपको मुझे लगेगा कि कंफ्यूज हो रहे हैं, चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो उसको हम डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो वहीं आज हम बात करने वाले हैं कोलेनकाइमा का फंक्शन क्या होगा, वो तो हम बाद में देख लेंगे, वो तो एक छोटा सा पार्ट है। हम पूरे स्टडी कर लेते हैं कि प्लांट टिश्यू क्या होता है, उसके कौन कौन से भाग होते हैं, कहाँ पे यूज होता है, किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम प्लांट टिश्यू की बात करें, देखिए ये चीज़ें इंग्लिश में लिखी हुई है क्योंकि साइंस ज़्यादातर इंग्लिश में ही समझ में आती है, ठीक है, लेकिन बोल तो हिंदी में रहे हैं तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। इसके अंदर की बात भी बताएंगे तो उससे आप समझ जाइएगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो प्लांट टिश्यू होता है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है मेरिस्टमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टमेटिक टिश्यू जिसको कहते हैं विभाजात्मक, कुछ ऐसा ही सेंस देता है, यानी कि विभाजन होने वाला टिश्यू, जैसे पेड़ अगर बढ़ रहा है तो कौन से टिश्यू उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो मेरिस्टमेटिक टिश्यू ही रिस्पॉन्सिबल है। एक होता है परमानेंट टिश्यू जो कि आप कह सकते हैं एक बार बन गया वो परमानेंट रहेगा, उसमें कोई विभाजन नहीं होगी। तो जो विभाजन होती है, जिससे टिश्यू में विभाजन होती है, जो बढ़ने के लिए उत्तरदायी होता है, उसको भी हम तीन प्रकार से बांटते हैं। सबसे पहले बात कर लें कि जो विभाजन होती है जिस सेल में, और उसमें वैक्यूल नहीं होता, वैक्यूल यानी कि एक पार्ट होता है सेल का, एक पार्ट होता है जो कि तकरीबन 90% इस सेल को कवर करता है, जो कि एक शेप और साइज प्रोवाइड करता है वैक्यूल। तो इसमें वैक्यूल नहीं होता है क्योंकि ये है, इसको शेप प्रोवाइड अभी नहीं करना है, अभी इसको विभाजन करना है। तो मेरिस्टमेटिक टिश्यू में वैक्यूल नहीं होते हैं, ठीक है, ये भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं मेरिस्टमेटिक टिश्यू तीन प्रकार के होते हैं, एपिकल टिश्यू एक होता है, एक होता है लेटरल मेरिस्टमेटिक टिश्यू यानी कि एपिकल मेरिस्टमेटिक टिश्यू, और दूसरा हो गया लेटरल मेरिस्टमेटिक टिश्यू, और तीसरा होगा इंटरसेलुलर मेरिस्टमेटिक टिश्यू। अब देखिए इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एपिकल यानी कि एपिक, जो बर्ड बना है एपेक्स से, यानी कि एपेक्स मतलब क्या होता है, एकदम से सर्वोच्च, यानी कि अगर कोई पौधा है, कोई पौधा है तो इसके सर्वोच्च यहाँ पे होगा सबसे नीचे, या आप कह सकते हैं सबसे ऊपर। तो एपिकल टिश्यू होता है वो ऊपर होता है सबसे, या सबसे नीचे होता है, यानी कि टिप ऑफ रूट होगा या शूट। रूट मतलब ये जो रूट है, जड़ है, उसके टिप पे होगा, या शूट मतलब कि जो ऊपर वाला भाग है उसके टिप पे होगा। तो ये एपिकल टिश्यू यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पे ये पाए जाते हैं। ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं, यानी कि ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर ही जाएंगे, नीचे जा रहे हैं तो नीचे ही जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। अनडिफ्रेंशिएटेड बर्ड का मतलब क्या हो गया कि इसका कोई फंक्शन नहीं होता है, ठीक है, कि हमें ये चीज़ करना है, वो चीज़ करना है, मतलब कि बहुत सारे फंक्शन है ना, जैसे हाथ के जो मसल्स का मसल जो टिश्यू है उसका फंक्शन कुछ और है, कार्डियक टिश्यू का फंक्शन कुछ और है, जैसे हमारी अपनी बात कर रहे हैं, मतलब कि ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो सब टिश्यू का अलग अलग फंक्शन होता है, तो इस टिश्यू का कोई फंक्शन ही नहीं होता है, ये सिर्फ विभाजित होते रहता है, उसके बाद जाके फंक्शन डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यानी कि ये अनडिफ्रेंशिएटेड टिश्यू होते हैं, इनका कोई अपना फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि एपिकल टिश्यू क्या होते हैं। अब लेटरल मेरिस्टमेटिक टिश्यू इसका पार्ट है, मेरिस्टमेटिक टिश्यू का ही एक और अदर पार्ट है, क्या, लेटरल मेरिस्टमेटिक टिश्यू। जैसे अगर आपको मैं एक ट्रंक दे दूं, ठीक है, ये एक पेड़ है, ठीक है, ये एक पेड़ है, ये एक पेड़ है सपोज, ठीक है, ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, ठीक है, ये एक पेड़ है। अब देखिए इधर जो टिश्यू होंगे वो इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे, इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे, तो ये लेटरल बढ़ रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब लेटरल ही हो गया। तो यहाँ पे जो टिश्यू पाए जाते हैं, यहाँ पे जो टिश्यू पाए जाते हैं उसको कहते हैं लेटरल मेरिस्टमेटिक टिश्यू, जो कि हॉरिजॉन्टल या आप कह सकते हैं लेटरल डायरेक्शन में बढ़ते हैं। आपके जो एपिकल हो गए वो ऊपर या नीचे होते हैं, लेटरल बीच में होते हैं, यानी कि ट्रंक वगैरह में, आप कह सकते हैं तना वगैरह में, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होता है। अगर हम बात करें इंटरसेलुलर मेरिस्टमेटिक टिश्यू, मतलब कि क्या होता है कि अगर कोई घास है, ठीक है, घास है, इस तरह से घास है, अब इसको कोई भैंस आया या गाय आया खा गया, ठीक है, ऐसे हो गया, मतलब कि यहाँ से खा गया,
तो देखते हैं कि घास कुछ दिन के बाद फिर से बढ़ जाता है, तो ये कैसे बढ़ गया? ऊपर वाला तो पार्ट ही काट दिया, तो फिर कैसे बढ़ा? नीचे मान सकते हैं कि बढ़ सकता है, लेकिन ऊपर कैसे बढ़ जाता है? तो यहाँ पे जो नोड बताते हैं, जो नोड होते हैं उसमें जो टिश्यू पाए जाते हैं वो इंटरसेलुलर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, जिसके कारण घास हो या बांस हो काट देने के बाद भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। ये जो सभी टिश्यू हैं वो लिविंग होते हैं, और जो परमानेंट टिश्यू होते हैं उसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों सेल होते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हैं लिविंग या नॉन लिविंग टिश्यू दोनों होते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में किस तरह के टिश्यू होते हैं, ये लिविंग टिश्यू होते हैं, और जो परमानेंट होते हैं लिविंग और नॉन लिविंग दोनों होते हैं। अगर हम बात करें कि इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा है कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल की बात करें तो सिंपल को भी तीन पार्ट में बांटा गया है। पहला है पैरेन्काइमा, दूसरा है कोलेन्काइमा, जिसके बारे में मैंने शुरू में बताया कि क्या प्रोवाइड करता है, उसको भी डिस्कस करेंगे, और तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। तीन तरह में बांटे गए हैं, यहाँ पे अभी एक ही को मैंने डिस्क्राइब किया, ये पूरा बोर्ड भर गया था इस वजह से मैंने एक ही को लिखा है। यहाँ तक डिस्कस करने के बाद हम बाकी को भी लिखेंगे। तो सबसे पहले सिंपल प्रेस्ट में सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन पार्ट में मैंने बताया कि कौन कौन हो गए। उसके बाद एक हो गया कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जाइलम फ्लोएम होता है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में हम जान लेते हैं। ये होता है वन टाइप सेल। इसमें क्या होता है कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं ना उसमें एक ही टाइप के सेल होते हैं। परमानेंट टिश्यू की बात करें तो उसका एक एग्जांपल क्या है? जाइलम है। दूसरा पार्ट क्या है? फ्लोएम है। तो जाइलम ऐसा तो नहीं है एक ही तरह के टिश्यू से मिलकर बना है, उसमें बहुत सारे टिश्यू मिले हैं, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सिंपल परमानेंट टिश्यू को मैंने तीन पार्ट में बताया। पहला पार्ट है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा में क्या होता है कि जो ये सेल होते हैं, ये जो सेल होते हैं वो थिन होते हैं। ठीक है, ये थिन होते हैं, यहाँ पे जो सेल वाल होते हैं वो काफी थिन होते हैं। तो इसका क्या काम है? ये है जो क्लोरोप्लास्ट जिसमें पाया जाता है उसको कहते हैं क्लोरेन्काइमा। ये भोजन बनाता है, इसी का पार्ट है क्लोरेन्काइमा। जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है वो भोजन बनाता है। एक होता है जिसमें कि क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, एक पैरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है जो कि फूड को स्टोर करता है। एक होता है एरेन्काइमा, इसका पार्ट है एरेन्काइमा, जिसमें क्या होता है कि जो ये सेल होते हैं उसके बीच वॉइड होता है। वॉइड यानी कि इसमें एयर भरे होते हैं। जब एयर भरे होंगे तो ये हल्का हो जाएगा, जैसे आपने देखा होगा तालाब वगैरह में बहुत सारे पत्ती तैरते रहते हैं। ठीक है, फूल बीच में कमल उगा रहता है, बहुत सारे पत्ती तैरते रहते हैं, तो उसमें क्या होता है? एरेन्काइमा होता है। तो एरेन्काइमा क्या करता है कि जो ये एयर रखता है जिसकी वजह से ये पत्ती वगैरह हल्का हो जाते हैं और वो फ्लोट करने लगते हैं। तो समझ में आ गया कि पैरेन्काइमा का क्या काम है? फ्लोटिंग में सहायता कर सकता है। क्लोरोप्लास्ट के कारण ये भोजन बनाता है, भोजन को संचयन करता है, उसका एक पर्टिकुलर नाम भी है। ठीक है, तो ये हो गया पैरेन्काइमा। जो नेक्स्ट टिश्यू है वो है कोलेन्काइमा। ठीक है, सेकंड है कोलेन्काइमा, ये भी एक लिविंग टिश्यू है या आप कह सकते हैं सेल है। अब देखिए ये जो टिश्यू है वो थिकर सेल वाल रखता है। ठीक है, इसके जो अंदर जो सेल होते हैं वो थिकर सेल वाल रखता है, और इसका जो रेगुलरिटी होता है वो कोई मतलब कि फिक्स पैटर्न पे नहीं होता। अगर इसके हम काम की भी बात करें तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट की, जैसा कि क्वेश्चन में ही पूछा गया था, जिसके लिए मैंने इतना लंबा लेक्चर लिया है। इसका क्या काम है? मेन काम कि जो पौधे होते हैं उसको फ्लेक्सिबल बनाता है। यानी कि आप देखे होंगे कि जब हवा चलती है, तेज हवा चलती है, तो पौधे इधर से उधर हो जाते हैं फिर भी नहीं टूटते हैं एक सर्टेन हद तक। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? यही कोलेन्काइमा प्रोवाइड करता है। आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि जो पौधे होते हैं वो कोलैप्स ना हो, इसके लिए कोलेन्काइमा होता है। ठीक है, बर्ड कोलैप्स मतलब क्या होता है? टूट फूट जाना, मतलब गिर जाना, उसके लिए कोलेन्काइमा होता है, क्योंकि ये जो इसका जो सेल वाल होता है वो थिक होता है, जिसके कारण इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। वेरी लेस सेलुलर इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, इंटरसेलुलर होगा। इसके जो इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं ये वाला, वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा होंगे तो टूटने का डर ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसके अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं वो कम होते हैं। थर्ड हमारा है स्क्लेरेन्काइमा। जब भी आपने देखा होगा कोकोनट का यानी कि नारियल का ऊपर वाला छिलका देखा होगा तो वो एकदम से हार्ड रहता है, तो वो कौन सा टिश्यू होता है? वो स्क्लेरेन्काइमा होता है, जो कि डेड होता है यानी कि मरा पड़ा होता है। थिक टफ सेल वाल होता है, उसका जो सेल वाल होता है एकदम से थिक होता है, मोटा होता है और टफ होता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा गेहूं का ऊपरी वाला परत आप कह सकते हैं, या धान का जो होता है जो ऊपरी वाला हस्क होता है वो भी क्या होता है? स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू का एक एग्जाम्पल है।
तो बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे जैसे कोकोनट का मैंने बताया, फिर आपको धान का बताया, इस तरह से बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जो कि डेड होता है, एस्केलेन काइमा टिश्यू होता है। ये तो हो गई सिंपल टिश्यू हो गई, ठीक है। अब कम्प्लेक्स टिश्यू की बात करें तो कम्प्लेक्स टिश्यू भी दो प्रकार में डिवाइड होते हैं। पहला क्या है, जाइलम टिश्यू, और दूसरा क्या है, फ्लोएम टिश्यू। देखिए जाइलम और फ्लोएम को हम कम्प्लेक्स टिश्यू में क्यों रखें, क्योंकि इसमें एक ही प्रकार के सेल नहीं होते। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, चार तरह के सेल है, इसमें भी चार तरह के सेल है, लेकिन इन सभी में एक ही प्रकार के सेल होते हैं। इस वजह से ये सिंपल हो गए और ये कम्प्लेक्स हो गए। तो कम्प्लेक्स टिश्यू को भी दो भाग में हम बांटे, पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। जाइलम में होता है कि जो आपका खनिज होता है या वाटर होता है वो जमीन से लेके जड़ उसको ऊपर तक ले जाती है, ठीक है। यानी कि जाइलम एक प्रकार का टिश्यू है जो कि खनिज और पानी को रूट से लेके उसको सूट तक पहुंचाया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा, जाइलम टिश्यू द्वारा। जाइलम और फ्लोएम के कंबाइन फॉर्म को हम कहते हैं क्या, वस्कुलर बंडल कहते हैं, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम को हम कंबाइन कर दें तो हम उसको कहते हैं वस्कुलर बंडल। तो वस्कुलर बंडल का एग्जांपल पूछे तो जाइलम एंड फ्लोएम होता है, ठीक है। अब देखिए जाइलम का आपको मैंने बता दिया कि ये क्या करता है, पानी और खनिज को ले जाता है, यानी कि ये यूनिडायरेक्शनल है। पानी तो ऊपर से तो नीचे नहीं आता है, नीचे ही से ऊपर जाता है, खनिज नीचे से ऊपर जाता है, खनिज ऊपर से तो नीचे नहीं आता, यानी कि ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, ठीक है, एक ही दिशा में होता है। लेकिन फ्लोएम में क्या होता है कि जो फल होता है वो नीचे से भी ऊपर जा सकता है। कोई कोई पौधे नीचे फल बनाते हैं, जड़ में बनाते हैं, या आप कह सकते हैं जमीन के अंदर बनाते हैं और उसको ऊपर तक भेजते हैं, कोई ऊपर बनाता है तो नीचे तक भेजता है, तो यानी कि ये बोल डायरेक्शन में इसका फ्लो होता है, ठीक है। फ्लोएम में फ्लो होता है वो बोर्ड डायरेक्शन में होता है, और जाइलम में यूनिडायरेक्शनल होता है फ्लो, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके अंदर चार प्रकार के सेल होते हैं। पहला कौन सा है, पैरेन्काइमा सेल। इसके अंदर भी जाइलम पैरेन्काइमा सेल कहलाएगा, ठीक है। एक प्रकार है जाइलम पैरेन्काइमा सेल, यहाँ पे आगे जाइलम प्रीफिक्स जुड़ेगा, ठीक है। तो जाइलम पैरेन्काइमा सेल होता है, आप इस तरह से देख सकते हैं, इसी तरह का होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है, जाइलम का आपको मैंने शुरू में बताया कि ये फूड को स्टोर करता है, तो ये फूड को स्टोर करता है। दूसरा होता है फाइबर, जो कि क्या करता है, सपोर्ट देता है, इस तरह से लंबा होता है, फाइबर होता है जो कि सपोर्ट देता है। तीसरा होता है वेसल, और चौथा होता है टैचिन। ये दोनों का एक ही काम है, क्या काम है, ट्रांसपोर्ट ऑफ H2O या मिनरल, ठीक है। H2O एंड मिनरल दोनों का काम है ट्रांसपोर्ट करना। अब देखिए जब H2O और मिनरल ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, तो दो हमें जरूरत क्यों पड़ी। देखिए दो जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये जो वेसल है वो बड़े बड़े प्लांट में होते हैं, जैसे आप कहते हैं ना कि इतना बड़ा पाइप है, ठीक है। तो ये जो बड़ा बड़ा जो प्लांट होते हैं, जैसे नीम हो गया, बरगद हो गया, ये सब बड़े बड़े प्लांट है, उसमें जो ट्रांसपोर्ट होता है खनिज का वो वेस्कुलर टिश्यू के द्वारा होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे आप देखेंगे एकदम से सूक्ष्म आपसे दिखेंगे भी नहीं, जैसे एंजियोस्पर्म जितने हैं उसमें तो मतलब कि जहां पे डेवलप हुए उसी का सतह ले लेते हैं। यहाँ पे हमें उतना ऊंचा तक हमें खनिज को पहुंचाने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना बड़ा घास है इतना ही में सिमट गए। यानी कि एनजीओ जितने भी स्पर्म होते हैं एकदम से सूक्ष्म आग से भी नहीं दिखाई देते हैं, तो वहां पे जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ट्रेचिड के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया। अब फ्लोएम की बात करते हैं, तो फ्लोएम में पहला जो सेल होता है वो सीव एलिमेंट होता है। सीव एलिमेंट कहाँ पे होता है, जैसे यहाँ पे अगर यहाँ से भोजन गया तो यहाँ पे सीव एलिमेंट हुआ, ये सीव एलिमेंट हुआ, इसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, इसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। अब देखिए सीव मतलब क्या होता है, चलनी होता है, ये चलनी टाइप का होता है, तो ये इसमें काफी सारे ऑर्गेनल होते हैं, वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो ये काफी लचीला होता है, तो इसको सपोर्ट की आवश्यकता होती है। इसको सपोर्ट कौन करता है, कैम्बियम सेल सपोर्ट करता है और फाइबर सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये जो सीव एलिमेंट है उनको कौन सपोर्ट करता है, कैम्बियम और फाइबर सपोर्ट करते हैं। और पैरेन्काइमा का तो आपको फंक्शन मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि ये स्टोर करते हैं फूड को, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको जितने भी प्लांट के टिश्यू है उससे रिलेटेड अब जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको आसानी से हो जाएंगे, और मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके जनरल कंपटीशन के एग्जाम हो या आपके नाइन्थ क्लास के भी जितने भी पेपर हो या स्कूल लेवल का हो, क्योंकि स्कूल लेवल तक तो सफिशियंट है। हाँ वो अलग बात है कि आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए सफिशियंट नहीं है, ठीक है। तो आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होगी, इसी तरह से बने रहिए हमारे चैनल के साथ। यहाँ पे चीज़ें आपको डिटेल से कोई भी क्वेश्चन हो उसको डिटेल से यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन मुझे लगा कि डिटेल से समझाने की आवश्यकता है, उसके लिए मैंने तकरीबन 15 मिनट का वीडियो बना दिया। तो इसी तरीके से आपको पढ़ना है, एक भी क्वेश्चन फंसे उसके लिए पूरा उसका बायोडाटा निकाल कि उससे क्या प्रश्न बन सकते हैं, भविष्य में कैसे कैसे इसमें प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।